महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, 55 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। क्या लगता है कि आखिर क्यों रिपोर्ट अब तक डॉक्टर बनाकर नहीं दे पाएंगे? देखिए, इस घटना जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लगातार जो है 15 साल के सुशासन में एक आध घटना नहीं हुई। इसी बिहार की धरती पर हम लोगों ने बलात्कार की जो घटनाएं हैं, बालिका गृह जैसे घिनौना जघन्य अपराध भी हम लोगों ने देखा है। उस समय भी इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी, सबूत होने के बाद भी, पुलिस जो है अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया। मंत्री से लेकर के कई बड़े बड़े नाम जो हैं सामने आए थे। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में जब एनसीआरबी के आंकड़े सामने आते हैं, हम लोग जब सरकार में थे 18 महीने 2015 में, और जब बीजेपी को चोर दरवाजे से नीतीश कुमार जी ने धोखा देकर के जनादेश का अपमान करके जब बीजेपी को सरकार में लाने का काम किया, उसके बाद से 2020 तक का अगर आप आंकड़ा देखें तो लगातार आंकड़े में जो है वृद्धि हुई है और हर 4 घंटे पे जो है बलात्कार हो रहा है, हर 5 घंटे पे हत्या हो रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार जो है आवाज़ उठाने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, जांच में विलंब क्यों हो रहा है, जो प्रक्रिया है उस पर क्यों विलंब हो रहा है, इस पर हम लोग जो है नज़र बना के रखें। जो होगा आगे क्या बचाने की कोशिश की जा रही हो या रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की जा रही हो, कहीं ऐसा? देखिए, पूरी तरीके से जब तक मामले पे हम लोग नज़र नहीं रखते हैं तब तक इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हमने पहले भी उदाहरण दिया है कि सरकार में रहते हुए बालिका गृह अपराध जो मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था, ब्रजेश ठाकुर से लेकर के कई लोग ऐसे, मंत्री से लेकर के कई लोग इन्वॉल्वमेंट थे, जिसको अब तक जो है उन बच्चियों को न्याय नहीं मिला। नीतीश ने कहा कि जेंडर होम वाले मामले के जो मंत्री हैं उन्होंने जो कहा है खास जाति के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, लेकिन नीतीश ने कहा है नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक चीजों पे बात होनी चाहिए। एक नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू रावड़ी राज में कैबिनेट होती थी क्या, वो जमाना याद दिलाया? नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, और इस तरह की अब कुछ कहने को उनके पास बचा नहीं है। ये हास्यास्पद है इस तरह का बयानबाजी। 15 साल में आपने बताइए गरीबी क्यों नहीं खत्म की, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, पलायन क्यों नहीं खत्म किया, भुखमरी क्यों नहीं खत्म की? आज भी जो लोग हैं, किसान हो मजदूर हो, आप अपमानित करने का काम करते हो, नौजवानों पर लाठी चलाने का काम करते हो। हम लोग जब नौकरी की बात करते हैं, रोजगार दिलाने की बात करते हैं तो उनको हंसी आती है। 15 साल तक जो आदमी व्यक्ति कोई काम नहीं किया वो आगे क्या कर सकता है? इनको कहने की, लेकिन अब बड़ी 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 सामने वाले के पास बड़ा 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 हास्यास्पद वाली बात है। अनुभव जो था मेरा, 18 महीने हम उनके डिप्टी CM रहे हैं, एक दाग तक नहीं लगा। पूरे बजट का खर्चा, जो बजट पत्र निर्माण विभाग का था, उसको पूरा खर्चा किया, समय पे काम किया। CRF फंड जो है 200 से 1000 करोड़ कराया, कई SH को NH में कन्वर्ट कराया, मेगा प्रोजेक्ट को समय पे किया। घोटाले रोकने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई, टेंडर का, वेरिएशन का, और EOT के फाइल्स को कमेटी तय करेगी, मंत्री के पास नहीं जाएगा। इतने काम हम लोगों ने किए हैं, अगर मुख्यमंत्री को कुछ कहने को है नहीं, देखिए उनके पास तो सारा आंकड़ा है, जरा थोड़ा मेरे सारे विभागों का आंकड़ा देख।